Hello everyone, let's start with chapter light, reflection and refraction of class 10. So question number 1 from back exercise is, which one of the following materials cannot be used to make a lens? Water, is it water, is it glass or is it plastic or is it clay? So actually the last one is the right option ki hum clay ko use nahi kar sakte to make a lens. क्योंकि बाकी सारे तो हमारे opaque ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम फिर भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे इमेज के बताए हुए हैं। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब पोजिशन ऐसी क्या हो कि आपको वर्चुअल मिले, इरेक्ट मिले एंड लार्जर मिले देन द ऑब्जेक्ट। सो जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है पोल के और बिटवीन प्रिंसिपल फोकस के, तब कुछ हमें ऐसी इमेज देखने को मिलती है। सो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सो मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ है। सबसे पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेगी, एफ से पास करेगी। दूसरी रे हम निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाती है तो आती भी वहां से वापस है, उसी डायरेक्शन में रहती है बेसिकली। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों रे का कोई भी मीट पॉइंट नहीं है, मीटिंग पॉइंट कोई भी नहीं। सो वी हैव टू एक्सटेंड टू द राइट हैंड साइड और जहां पे ये आपस में मिलेंगे वहीं पे हमारा इमेज बनेगी। एंड दिस इज माई ए डैश एंड बी डैश एंड दिस इज माई ए एंड बी। आप देख सकते हो कि इरेक्ट इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है और लार्जर बनी है देन द ऑब्जेक्ट। सो ये तीनों करेक्टरिस्टिक फुलफिल हो रहे हैं यहाँ इस पोजिशन पे। सो द राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली हमें फिर से यही बताना है कि पोजिशन क्या हो, लेकिन इस बार हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और उन्होंने हमें बोला है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, फोकल लेंथ पे रखनी होती है एंड दैट टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। सो जब आप ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखोगे यू विल गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। अब दोनों के ही आप देख सकते हो कि एफ आपका क्या है, नेगेटिव है और नेगेटिव किस केस में होता है, इट इज इन कॉनकेव, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। सो ए पार्ट।